अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। ये जो मैंने क्यारी खाली की थी उसमें से मिट्टी जो निकली थी वो, और जो मैंने पुराने गमलों की मिट्टी वो सब मैंने सोलराइज़ करके रख ली है। मतलब इसको मैंने 7 डेज़ के लिए ऐसे ही छोड़ दिया और धूप में इसको रख दिया, और इसको बोरी से एक दिन बाद मैंने इसको बोरी से ढक दिया ताकि इसके अंदर जो यूज़फुल बैक्टीरिया है वो डाई ना हो जाए। दोनों ही मिट्टी को मैंने इस तरीके से किया है। देखें आप, ये ऊपर से ड्राई है और अगर मैं इसको अंदर से देखूं तो ये वेट है। तो आपको इसको ड्राई करना है, एक दो दिन तक आप इसको सन ड्राई करें और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी छिड़काव करके और इसको किसी बोरी वगैरह से ढक दें। और उसके बाद अब ये मिट्टी यूज़ करने के काबिल हो गई है। और अब इसके अंदर मैं इसको रिचार्ज कैसे करूँगी, इसके अंदर मैं कौन सा, मतलब कौन सी कंपोस्ट डालूँगी और क्या मिट्टी डालूँगी, ये देखें आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कंपोस्ट डाली है और ये नई मिट्टी जो बालू मिट्टी होती है, नई वाली जो हमें नर्सरी से मिलती है वो है। मैंने क्या किया है, जैसे ये गार्डन सॉइल हमारी 50% है तो 20% ये गोबर की खाद है और 20% ही ये बालू मिट्टी है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये है हल्दी। हल्दी डालेंगे हम इस सॉइल में ताकि कोई फंगस वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। और ये हमारी नीम खली। नीम खली जो है वो बहुत अच्छा पेस्टिसाइड फंजिसाइड है और ये फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। इसके अलावा प्लांट्स में कैल्शियम के लिए हम ये डालेंगे बोन मील। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, आप ये ना डालें, आप इसकी जगह अंडे के छिलके बेस में डाल सकते हैं, और नीम खली आप ज़रूर डालें। और हल्दी तो ईज़िली हमारे किचन में अवेलेबल होती है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस क्वांटिटी में मैं इसको डालूँगी। ये देखिए, ये मैंने मिक्स कर लिए खाद और मिट्टी जो हमने इसके अंदर मिक्स की है गार्डन सॉइल में, ये मैंने मिक्स कर लिया। और मैं इसमें 1 कप के जितनी नीम खली डाल दूंगी और इतनी ही बोन मील डाल दूंगी। अगर आपकी मिट्टी कम हो तो आप स्पून से भी मेजरमेंट करके डाल सकते हैं। ये देखिए, मेरी तो ज़्यादा है मिट्टी तो मैं इसके अंदर 1 कप के जितनी नीम खली डाल दूंगी और बोन मील भी डाल दूंगी 1 कप के जितनी। और मैं अब इस सॉइल मिक्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और यही काम मैं इस वाली मिट्टी के साथ भी करने वाली हूँ। और इसमें पानी छिड़कूँगी थोड़ा सा। ये देखिए, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और मैं अब इसको मिक्स कर लूँगी और इसको इस बोरी में भर के और रख लूँगी। और जब भी मुझे सॉइल मिक्स चाहिए होगा तो ये मुझे बिल्कुल तैयार सॉइल मिक्स मिलेगा और मुझे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस बोरी को मैं खाली कर दूंगी और उसमें अपने प्लांट्स लगा दूंगी। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैंने, देखें, अपनी क्यारी में पहले क्या सेव करके रखा है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखें, ये मैंने पार्क से पत्ते जमा किए हैं और मैं इसको अपने ग्रो बेड के नीचे और जब मैं क्यारी बना रही होंगी तो उसके नीचे ये पत्ते डालूँगी। ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है और इससे ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा बना रहता है। आजकल बहुत ज़्यादा पत्ते गिर रहे हैं दरख्तों से, आप भी अपने घर में ये पत्ते ज़रूर जमा कीजिए। बिल्कुल सेम इसी क्वांटिटी में मैंने इस वाली मिट्टी में भी सब कुछ मिला दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसको भी बोरी में भर के रख दूँगी। ये मिट्टी मैंने इन बोरियों में भर दी है और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। ये देखिए, ये मिट्टी मैंने भर दी है इसमें और ये जगह खाली हो गई है। अब ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने मिट्टी भर दी है।
आप अपनी मिट्टी की क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी समर वेजिटेबल गार्डन के लिए बहुत अच्छा पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।